सो हे गाइज, दिस इज आवर ब्रदर ऋतिक मेघवानी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं मणिपाल जयपुर की ए टू जेड बातें। आज के वीडियो में गाइज हम लोग जानेंगे इसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, भैया कॉलेज लाइफ कैसी है, क्या भैया 25 लाख रुपए इस कॉलेज में इन्वेस्ट करना सही है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सारी बातें कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसी के साथ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जल्दी से कॉलेज का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 2011 में यार ये कॉलेज बना था, ठीक है, थोड़ा सा नया कॉलेज हम बोल सकते हैं। लोकेशन राजस्थान में आपको देखने को मिल जाता है, जयपुर में। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करेंगे तो एक प्राइवेट कॉलेज है। कैंपस एरिया की बात करेंगे गाइस तो 122 एकड़ में इसको बनाया गया है। एंड इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स आप देखोगे आपको प्यार हो जाएगा कैंपस से, इतना शानदार इसका कैंपस है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया है यार इसको। रैंकिंग की बात करेंगे गाइस तो इसको इंजीनियरिंग में 84th NRF रैंकिंग यहाँ पे मिली है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 24 किलोमीटर दूर आपको जयपुर रेलवे स्टेशन मिल जाता है, 27 किलोमीटर दूर आपको जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड यहाँ पे बस स्टैंड की बात करें तो 25 किलोमीटर के आसपास है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जनरली दो तरीके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला MET एग्जाम, मणिपाल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। सेकंड गाइस यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। भैया डायरेक्ट एडमिशन क्या बात कर रहे हो, मणिपाल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन? हाँ यार, मणिपाल में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है जयपुर में। उसकी भी यार कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यार अगर सीट बच जाती है, अगर कोई सीट वैकेंट है, पहले एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद अगर कुछ सीट वैकेंट बच जाती है तो उसको, ये तीन चार चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके बेसिस पे यहाँ पे फिल की जाती है। एंड गाइज मैं बता दूँ मणिपाल में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो जो बच्चे यार MET एग्ज़ाम देते हैं एंड वो काउंसलिंग उनकी रह जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है। सेकंड यहाँ पे अगर आपने JEE मेंस दिया है ना, आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए थे तब भी आप एलिजिबल हैं। थर्ड अगर आपने सेट एग्जाम दिया है, ठीक है, आपके पास सेट स्कोर है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड फोर्थ क्लास 12th के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन मणिपाल जयपुर में होता है अगर सीट बच जाती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो यार यहाँ पे 1400 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स हैं BTech में। एंड यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें टोटल 240 सीट्स के आसपास है। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट्स, अगर मैं ECE की बात करूँ तो 180 सीट्स के आसपास है। बाकी आप देख सकते हैं IT में भी 180 सीट्स के आसपास है। ओवरऑल देखा जाए तो यार काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट टेक है। मेन कैंपस जो है मणिपाल उसमें 2000 के आसपास है, यहाँ पे 1400 के आसपास हमको सीट्स देखने को मिल जाती है। एंड अगर आपको मेन कैंपस के ऊपर रिव्यू चाहिए तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई कार्ड में भी आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हमने। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्लास 12th आप पास होने चाहिए, ठीक है, बस यही एलिजिबिलिटी है। बाकी और आप पढ़ सकते हैं जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, बस इतनी एलिजिबिलिटी है और कुछ खास है नहीं इसमें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस जल्दी से मैं क्विक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। अनअकैडमी लेके आए रिपब्लिक डे स्पेशल। ये गाइस अगर आप IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो 25 जैन से लेके 27 जैन तक ये ऑफर वैलिड है। इस ऑफर में गाइस आपको अगर आप 6 मंथ का यहाँ पे प्लान लेते हैं तो यहाँ पे 5 मंथ आपको एक्सटेंशन मिल जाता है आपके प्लान में, जिसमें 3 मंथ IIT JEE प्लस होगा प्लस 2 मंथ आपका CBSE रहेगा, जो कि बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 9 मंथ का टोटल एक्सटेंशन मिलता है, जिसमें 6 मंथ आपका IIT JEE प्लस रहेगा प्लस 3 मंथ आपका CBSE रहेगा। एंड अगर आप 24 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 6 मंथ आपका एक्सटेंशन रहेगा IIT JEE प्लस में प्लस 3 मंथ आपका CBSE रहेगा। तो गाइस काफ़ी बेस्ट डील है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। RITIK2022 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हम लोग बात करेंगे गाइस तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको अनअकैडमी लेके आया है वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इस साल का, जिसमें गाइस आप 20 लाख रुपीज़ तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। यहाँ पे गाइस क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं इस एग्जाम को। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। 29 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम का गाइस बेस्ट पार्ट ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आप पूरे इंडिया में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। यहाँ पे गाइस एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, RITIK2022 आपको कोड यूज़ करना है। इसके अलावा गाइस आपको काफ़ी सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको डॉट और भी कई तरीके के अमेजॉन वाउचर। इसके अलावा गाइस अनअकैडमी ला रहा है लाइव टेस्ट जिसका नाम है अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट। IIT JEE मेंस के लिए गाइस स्पेशल है, यहाँ पे भी गाइस आपको कई तरीके के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 30 जनवरी को ये टेस्ट होने वाला है जिसका टाइमिंग 11 AM है। डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको लिंक मिल जाएगी, RITIK2022 आपको कोड यूज़ करना है सभी चीज़ों के लिए। अब गाइस जल्दी से फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे मैं BTech की बताऊंगा, 12.6 लाख से लेके 13.8 लाख के आसपास आपकी फीस चली जाती है ट्यूशन की, जो कि 4 साल की है। यहाँ पे 13.84 लाख जो है वो आपकी कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हैं, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई स्पेशलाइजेशन या फिर IT ब्रांच अगर आप लेते हैं तो ऐसे केस में 13.8 लाख के आसपास आपकी टोटल 4 साल की ट्यूशन फीस होगी। इसके अलावा गाइस हॉस्टल फीस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके के हॉस्टल हैं, बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले टाइप ए की बात करें जो कि सिंगल प्रीमियम रूम है, टाइप बी है आपका सिंगल रूम,
टाइप सी आपका डबल रूम। तीन तरीके के रूम आपको मिल जाते हैं मणिपाल जयपुर में। फीस की बात करें तो 2.9 लाख के आसपास आपकी एक साल की फीस है। अगर आप सिंगल प्रीमियम रूम लेते हैं तो टोटल चार साल की बात करूँ 11.76 लाख के आसपास आपकी चार साल की फीस चली जाती है। यहाँ पे भैया सिंगल प्रीमियम रूम क्या है, सिंगल रूम क्या है, डबल रूम क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। टाइप बी की बात करें तो सिंगल रूम का आपका चार साल का जो खर्चा आता है वो 11.25 लाख है। अगर मैं डबल रूम की बात करूँ तो इसमें आपका 6.4 लाख के आसपास चार साल का खर्चा आता है। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा कि भैया 11 लाख रुपए इसकी हॉस्टल की फीस, सिर्फ हॉस्टल की चार साल की, ऐसा क्या देते हैं ये लोग? तो देख लेते हैं यार। तो जो आपका सिंगल प्रीमियम रूम रहता है उसमें आपको कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे आपको एक फुल लेंथ काउच मिलता है, लिटरली आपके रूम में एक आपको काउच मिलता है, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा बात करें तो आपको मैट्रेसेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आपको जिम एंड लॉन्ड्री के एनुअल सब्सक्रिप्शन में 20% डिस्काउंट मिल जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है आपको, 10 Mbps तक स्पीड चली जाती है। सिंगल प्रीमियम रूम में यार आपको एक्स्ट्रा वार्डरोब वगैरह भी मिल जाता है आपका, एक्स्ट्रा लगेज रखने के लिए, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम। बेसिकली इसमें आपको मैट्रेस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वार्डरोब मिलता है। डबल ऑक्यूपेंसी रूम की हम बात करें तो यार इसमें आपको मैट्रेस, काउच और एक्स्ट्रा वार्डरोब वगैरह नहीं मिलता है ना। बाकी सारी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे आपको अटैच टॉयलेट मिलता है, ठीक है, वार्डरोब मिल जाता है आपको बेसिक वाला, इस तरह टेबल एंड चेयर वगैरह मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप एक्स्ट्रा टीवी लगाना चाहते हैं तो 32 इंच का आप लगा सकते हैं अपने रूम में, ठीक है, ये अलाउ है, बाकी उससे बड़ा आपको नहीं लगाने दिया जाता। मैस फीस की बात करें, भैया मैस फीस हॉस्टल के अलावा मैस फीस भी देनी पड़ेगी, तो हाँ यार मैस फीस अलग से देनी पड़ेगी आपको, जो कि 65,000 पर ईयर के हिसाब से है। टोटल चार साल की 2.6 लाख के आसपास आपको पड़ जाता है, ठीक है, 65,000 पर ईयर। 10 मंथ्स के लिए रहता है तो समझ लो 6,500 आपको एक महीने का पड़ता है। भैया बहुत सारी फीस बता दी, अब ये बताओ टोटल चार साल का खर्चा कितना आता है। फीस जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गाइस वो कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी स्पेशलाइजेशन है एंड आईटी ब्रांच है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। अगर आप टाइप ए हॉस्टल की तरफ जाते हैं, सिंगल प्रीमियम रूम की तरफ, तो 28.2 लाख के आसपास आपकी चार साल की फीस चली जाती है, 28.2 लाख। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं जोड़े मैंने, ठीक है, आप मणिपाल जयपुर में रहने वाले हो, खर्चे भी आपके उस हिसाब से होंगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आप मान के चलना। बाकी टाइप बी की बात करें जो कि सिंगल रूम है, 27.7 लाख के आसपास आपका खर्चा चले जाता है चार साल का। अगर मैं टाइप सी की बात करूँ जो कि डबल रूम है, 22.9 लाख आपकी फीस चली जाती है। ये मैं कंप्यूटर साइंस की बता रहा हूँ, बीटेक की बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके दूसरे कोर्सेज हैं तो उनमें आपकी फीस जो है वो कम हो सकती है। अब यहाँ पे बात करें तो यार एक्स्ट्रा आपको कई तरीके की सर्विस दी जाती है। यहाँ पे जिम मिल जाती है आपको, यहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटी मिल जाती है एंड यहाँ पे स्विमिंग पूल मिल जाती है। अमाउंट आप देख सकते हैं 11,000 जिम का है, लॉन्ड्री का 7,500 है एनुअली। यहाँ पे जिम की बात करूँ, मणिपाल जयपुर की जो जिम है वन ऑफ द बेस्ट जिम है यार पूरे जयपुर में। आपको मैं थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो, मतलब इस जिम में आपको सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी ट्रेडमिल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि यार आपको रुकना पड़ रहा है किसी के लिए, ठीक है, ताकि वो उतरे तो मैं ट्रेडमिल पे जा सकूँ, ऐसा नहीं है। काफ़ी बड़ी जिम है, वन ऑफ द बिगेस्ट जिम बोला जाता है जयपुर की। तो अगर आप मणिपाल जयपुर लेने वाले हो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप जिम जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटी की बात करें तो वो भी यार एकदम प्रॉपर है, ठीक है, मतलब प्रॉपर। अब गाइस यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करते हैं, टोटल यार 11 तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सारी स्कॉलरशिप अच्छे से पढ़ सकें, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको। सपोज़ अगर आपकी मणिपाल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 5,000 से अंडर है रैंक, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पेरेंट इनकम को देख के भी स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से भी स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आप डिफेंस से आते हैं, आपके पेरेंट डिफेंस में है, तो उसके हिसाब से भी दी जाती है। अगर आपका कोई भाई बहन ऑलरेडी कोई सिबलिंग पढ़ रहा है उसके हिसाब से भी बहुत तरीके की स्कॉलरशिप है। तो यार मैं यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यार ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो आप ये बिल्कुल सोच के मत जाना कि यार मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मैं चार साल स्कॉलरशिप पे पढ़ूंगा, ऐसा यार होता नहीं है। मतलब एक ब्रांच में मुश्किल से 2 से 5 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी किस तरीके से, जिसने पहले अप्लाई किया पोर्टल पे, जिसका नंबर पहले लग गया तो लग गया, ठीक है। तो ऐसा पक्का नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, एंड उसके बाद भी आपको 8 CGPA से ऊपर मेंटेन करने पड़ते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप हर साल रिन्यू करानी है। नहीं तो एक साल के लिए तो मिल गई, नेक्स्ट ईयर आपका 8 CGPA नहीं आया तो फिर गई, तो ये समस्या है। तो कोई भी ये सोच रहा है कि यार मैं स्कॉलरशिप के दम पे पढ़ लूँगा तो मैं उसको एडवाइस नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं स्कॉलरशिप। यहाँ पे गाइस बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वीडियो का। एवरेज पैकेज जो है वो 6.2 लाख के आसपास रहा है पिछले साल का, जो कि काफ़ी डिसेंट पैकेज है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ, लास्ट ईयर 25 लाख हाईएस्ट पैकेज था, टिल नाउ की बात करूँ 42 लाख तक इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज गया है। नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स की बात करें, 1200 से ज़्यादा प्लेसमेंट्स थे, 1.25 लाख के आसपास यार इसका हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है इंटर्नशिप में, जो कि अच्छी बात है, 1.25 लाख काफ़ी होता है। कंपनीज विजिटेड की बात करूँ तो 148 से ज़्यादा कंपनीज यार इस कॉलेज में विजिट किए थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखें तो यार 4.5 से 10 लाख के बीच में जनरली ज़्यादातर बच्चों की प्लेसमेंट लगती है, जो कि 71% थी। तो ये आप मान के चलो कि एवरेज जो है वो 6.2 लाख है, यहाँ पे आप 7 लाख 8 लाख 6 लाख का जो पैकेज है वो ग्रैब करना थोड़ा सा ईजी होगा। बाकी यहाँ पे 16% लोगों को 10 लाख से ऊपर की भी प्लेसमेंट मिली है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा सकता है
कि 10 लाख से ऊपर की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि 16% बच्चों को मिली थी, तो एक अच्छी बात है। एंड एक और चीज़ है, मणिपाल के अंदर दोनों कैंपस में आपको इंटर्नशिप्स भर भर के दी जाती हैं। अगर आपने CGPA अच्छे मेंटेन किए, प्रॉपर पढ़ाई आपकी हो रही है कॉलेज में, तो यार इंटर्नशिप लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बाकी यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स हैं वो CSE ब्रांच की, स्पेसिफिक CSE की ज़्यादा बेटर होती है बाकी ब्रांचेस से कंपैरिजन में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस बात करते हैं बेस्ट थिंग्स के बारे में जो कि मणिपाल की मानी जाती है। सबसे पहले यार, मणिपाल इक्वल्स टू मजानी लाइफ। दोनों कैंपस ले लो, दोनों कैंपस में जो कैंपस लाइफ है भाई मज़ेदार। और यार इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एक प्रकार से बोला जा सकता है बाप इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड आप जाओगे एक बार कॉलेज विजिट करना, आपको लिटरली प्यार हो जाएगा। कैंपस लाइफ की बात करूँ तो हैंड्स डाउन यार एकदम, मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैंपस लाइफ ना मणिपाल मेन कैंपस से ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन यार मतलब कहा जा सकता है कि मणिपाल जयपुर में भी कैंपस लाइफ है। लिमिटेड स्टूडेंट टेक है यार MUJ में, जो कि एक अच्छी बात है। साथ 5,000 बच्चे नहीं ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, है ना। करिकुलम भी अच्छा है यहाँ पे फेस्ट एंड क्लब्स भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ है, आपको कोर्सेरा के यार सारे कोर्सेज, यार काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप कंप्लीट करके सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं मणिपाल मेन कैंपस एंड मणिपाल जयपुर दोनों में, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एंड यहाँ पे बात करें तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको डिसेंट मिल जाती हैं। डाइवर्सिटी काफ़ी गजब की है मणिपाल जयपुर में, हर जगह के लोग आते हैं, आपको फॉरेन स्टूडेंट्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। स्टार्टअप कल्चर की बात करें गाइस, तो ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर है, ठीक है, मतलब स्टार्टअप कई हो चुके हैं मणिपाल जयपुर से, एंड कई ऐसे हैं कि जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के बाद, वो है कॉन्स, कि भैया कॉन्स क्या है इस कॉलेज के। सबसे पहले यार फीस वेरी 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 हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई यार फीस, मतलब 22.5 लाख या जो भी मैंने बताया उससे कम तो आपको, अगर आप CSE लेते हैं तो उसके कम तो लगना ही नहीं है, है ना, बजट वाले हॉस्टल की बता रहा हूँ। प्लस यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा आपके खर्चे जाते हैं, तो फीस यार बहुत ज़्यादा हायर साइड चली जाती है। इसके अलावा गाइस असाइनमेंट प्रेशर भी आपको यार इस कॉलेज में मिलता है, मतलब असाइनमेंट्स काफ़ी रहते हैं। एंड थर्ड हम बात करें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप 22 लाख रुपये दे रहे हैं, ठीक है, इस कॉलेज में, एंड 22 से ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। एंड एवरेज पैकेज 6.2 लाख के आसपास है, जो कि डिसेंट है, लेकिन जितनी फीस यार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें उतना देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये चीज़ आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, आपको कॉलेज लाइफ अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। एंड एवरेज पैकेज अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप 10 लाख से ऊपर का पैकेज भी ग्रैब कर सकते हैं। आपको टॉप के 100-125 बच्चों में आना पड़ेगा, है ना, तो उस हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यार उतना इंप्रेसिव नहीं है। 6.2 लाख के आसपास ही हमें एवरेज पैकेज मिलता है। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट यार अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूँ तो थोड़ी सी कम है CSE के मुताबिक। एंड प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो CSE के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूँ तो वहाँ पे उतने अच्छे प्लेसमेंट्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं। इंटर्नशिप्स भी यार वो भी हमें बहुत सारी टेक कंपनीज में ही देखने को मिलती हैं, तो कोर ब्रांचेस के लिए यार ये थोड़ा सा कॉन मैं बोलूँगा। इसके अलावा यार आपको मणिपाल के दोनों कैंपस में पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भैया इसको कॉन में क्यों डाला है, देखो यार कुछ बच्चों के लिए कॉन हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए नहीं, ठीक है, जो सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं एकदम प्रॉपर पढ़ने, उनके लिए तो भाई ये कॉन है। अब जिसको कॉलेज के साथ साथ मस्ती वगैरह भी करनी है लिमिट में, उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो है वो आपका कॉलेज जो है वो 30 किलोमीटर दूर है जयपुर से, है ना। एंड अगर आप जैसे स्टेशन से मणिपाल जयपुर जाते हैं तो आपको 500 से लेकर 700 रुपये तक कैब के देने पड़ सकते हैं, नहीं तो फिर बस नंबर 26 जिंदाबाद, वहाँ से आप सीधे कॉलेज पहुँच जाओगे। अब गाइस यहाँ पे जल्दी से हॉस्टल्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया आपको 3 तरीके के हॉस्टल मिलेंगे आपको, प्रीमियम, सिंगल एंड डबल। इसके अलावा यार आपके मणिपाल जयपुर के जो हॉस्टल हैं वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं कंट्री में, मतलब हॉस्टल आपको हॉस्टल के जैसे लगने नहीं वाले, आपको लगेगा कि यार मैं 3-5 स्टार टाइप होटल में रह रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा यार काफ़ी वेल मेंटेन हॉस्टल रहते हैं, सिंगल डबल दोनों मिल जाते हैं आपको। बेसिक जो चीज़ें हैं वो टेबल चेयर बेड वगैरह आपको मिल जाता है कॉलेज की साइड से। लॉन्ड्री फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको हाईली इक्विप्ड क्या लिखा है वाटर फिल्टर्स भी मिल जाते हैं हर फ्लोर पे। एंड मतलब आपको यार लग्जरी चाहिए ना कॉलेज में, वो भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे अगर आपको स्प्लिट AC चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, आपको एक्स्ट्रा काउच सोफ़ा वगैरह चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके अलावा यार हॉस्टल्स हाइजीनिक है आपके, ठीक है, आपको फ्रीडम अच्छी दी जाती है हॉस्टल में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको रोक टोक है, ठीक है, आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। डाइनिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेस फूड काफ़ी अच्छा है, हाइजीनिक मिलता है आपको, ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह डिपेंड करता है आपको कभी पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में जो मेस रहती है ना जब कॉलेज नया नया चालू होता है तब बढ़िया मिलता है, धीरे धीरे सब बोर होने लगते हैं। बाकी इसके अलावा वेज एंड नॉनवेज दोनों अवेलेबल है। अगर मैं गो टू प्लेस की बात करूँगा तो एलिमेंट्स मॉल है, जहाँ पे आप मूवी एंड मैगडी सबे के लिए जा सकते हैं। जैसे अगर आपको लंच या डिनर वगैरह करना है तो रेस्टोरेंट जा सकते हैं आप, जैसे लेजी मोजू करके, बारबेक्यू नेशन मिल जाता है आपको कॉलेज के पास में, अनलिमिटेड फूड है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग ये पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करें तो लैब्स वगैरह सारे वेल इक्विप्ड हैं। और हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें तो यार बहुत शानदार स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं,
एंड जो कोर्ट्स वगैरह हैं यार इनके स्पोर्ट्स के प्रॉपर वेल मेंटेन रहते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं भी खेल रहे हैं। ठीक है, आपको क्रिकेट फील्ड मिल जाती है, आपको फुटबॉल ग्राउंड मिल जाता है, लेज ग्रीन, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, चेस हो गया, मतलब सारी चीज़ें यार ऑलमोस्ट। और एक एक दो दो नहीं यार, जिस चीज़ में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उनके तीन तीन चार चार कोर्ट भी यहाँ पे बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे जिम मैंने बता दिया, 11,000 आपकी एक साल की फीस होती है, ना जिम की, एंड प्रॉपर यार बहुत शानदार जिम है, मतलब मेरे को जिम बहुत पसंद आया इस कॉलेज का। अब गाइस बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में कि भैया क्या है, जाना है नहीं जाना है। सबसे पहले यार, अगर आप अच्छे से अफोर्ड कर पाते हो, कहीं से लोन वोन लेना नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्रॉपर दे सकते हैं हर महीने हर साल आपकी फीस पेरेंट्स, तब जाओ। सेकेंड चीज़, जो टॉप कॉलेजेस में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, जैसे NIT, IIT, BITS वगैरह में नहीं मिल रहा है, मणिपाल मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तब आप इसके बारे में सोच सकते हो। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिल रही है आपको, या फिर उसकी कोई स्पेशलाइजेशन, या फिर IT मिल रही है, तब आप इसके बारे में जा सकते हो। कोर ब्रांचेस में आपको प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी जितनी आपको कंप्यूटर साइंस में मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी चीज़ है। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया लोन लेके चले जाएं, बिल्कुल नहीं भैया, सोचना भी मत, सालों लग जाएंगे चुकाने में, है ना, तो वो चीज़ें मत करना। बहुत महंगा कॉलेज है एंड उन्हीं के लिए है जो अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यार कोशिश करेंगे कि ऐसे कॉलेजेस भी यार हम लोग लेके आएँ जिनकी फ़ीस कम और रिटर्न्स अच्छे हो। PDF आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं वो सारे कॉलेजेस बताऊँगा जो कि कम फीस में यार अच्छा रिटर्न देते हैं। ठीक है, इसी के साथ यार ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।